हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आपको पीरियडिक टेबल वाले दो दो नंबर के क्वेश्चंस कराऊंगा। पीरियडिक टेबल वाले दो दो नंबर के क्वेश्चंस कराऊंगा जो कि बहुत जरूरी हैं। आपने बोर्ड में जाने से पहले एक बार जरूर देख लें। पहला क्वेश्चन, एल्कली मेटल्स डू नॉट फॉर्म डिपॉजिटिव आयंस। एल्कली जो मेटल्स होते हैं वो कभी भी डिपॉजिटिव आयंस को फॉर्म नहीं करते। क्यों? क्योंकि एल्कली मेटल्स प्रेजेंट इन ग्रुप 1, 2, 1, सो 17 हैज ओनली वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एल्कली मेटल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट इन ग्रुप, मतलब कि ग्रुप वन में होते हैं भाई, सो 17 हैज ओनली वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अतः इनके पास जो है केवल वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, बाय लॉसिंग वन इलेक्ट्रॉन दे एक्वायर द कॉन्फिग्रेशन ऑफ द नोबल गैस एलिमेंट एंड सो डू नॉट फॉर्म डिपॉजिटिव आयंस। यानी कि एल्कली मेटल जो होते हैं वो मतलब पहले ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं और जिनके जिनका वन इलेक्ट्रॉन वैलेंस होता है, वन वैलेंसी होती है, जो कि एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देते हैं, मतलब दे देते हैं और स्टेबल गैस बना लेते हैं, यानी नॉर्मल गैस बना लेते हैं, इसीलिए ये डिपॉजिटिव आयंस को नहीं बनाते। नेक्स्ट, वाई नॉन मेटल्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ये नॉन मेटल्स को इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि नॉन मेटल्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एलिमेंट्स बिकॉज देयर एटम्स फॉर्म नेगेटिव आयंस बाय एक्सेप्टिव इलेक्ट्रॉन। क्योंकि नॉन मेटल्स जो होते हैं वो क्योंकि नॉन मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, उनकी प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की, इसलिए वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट कहलाते हैं। नेक्स्ट, हाउ आर द पोजिशन ऑफ द डिफरेंट आइसोटोप्स डिसाइडेड इन द मॉडर्न पीरियडिक टेबल। यानी कि हाउ वर द पोजिशन ऑफ डिफरेंट आइसोटोप्स डिसाइडेड इन द यानी मॉडर्न पीरियडिक टेबल में आइसोटोप्स की जो डिफरेंट आइसोटोप्स जो होते उनकी पोजिशन कैसे डिसाइड करी गई। ऑल द आइसोटोप्स हैव सम एटॉमिक नंबर्स इन मॉडर्न पीरियडिक टेबल। टू एलिमेंट्स हैव बीन अलॉटेड प्लेसेज बेस्ड ऑन देयर एटॉमिक नंबर्स, सो ऑल द आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव बीन असाइंड द सेम पोजिशन इन द मॉडर्न पीरियडिक टेबल। यानी जितने भी आइसोटोप्स थे जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं उन सबको क्या किया मॉडर्न पीरियडिक टेबल में, भाई एक ही पोजिशन दे दी गई उनको। ठीक है, सो ऑल द आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव बीन असाइंड द सेम पोजिशन इन द मॉडर्न टेबल। यानी मॉडर्न पीरियडिक टेबल में उनको एक ही बार जगह दी। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के आधार पर। नेक्स्ट है भाई, यानी एटॉमिक नंबर के आधार पर उनको जगह दे दी गई। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के आधार। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन इज रिगार्डेड एज ए रॉग्यू एलिमेंट इन द पीरियडिक टेबल। हाइड्रोजन की जो पोजीशन थी वो मॉडर्न पीरियडिक टेबल में फिक्स नहीं थी क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है और ले भी सकता है। तो आप इसे डिस्कस कीजिए भाई। तो भाई, बिकॉज टिल टुडे इट्स पोजीशन इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री। भाई आज तक इसकी जो पोजीशन है वो मतलब संतोषजनक नहीं है। ऑल्दो इट हैज बीन प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ एल्कली मैटर्स। हालांकि इसे एल्कली मैटर में सबसे ऊपर रखा गया है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के आधार पर इसे एल्कली में सबसे ऊपर रखा गया है। बट इट इज नॉट नॉन मेटल। लेकिन ये नॉन मेटल नहीं है एंड ऑल्सो रिसेंबल्स हेलोजन ऑफ। कहने का मतलब बट इट इज नॉट नॉन मेटल। भाई एल्कली में रख दिया इसका मतलब ये नॉन मेटल नहीं है। एंड ऑल्सो रिसेंबल, और जबकि ये हेलोजन वाले जो ग्रुप होते हैं, हेलोजन वाला जो ग्रुप है वो एक एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की प्रॉपर्टी रखता है ना, तो उसकी भी प्रॉपर्टी शो करता है हाइड्रोजन। भाई हेलोजन ग्रुप में जो एलिमेंट्स आते हैं ना उनकी भी प्रॉपर्टी हाइड्रोजन की तरह होती है, लेकिन फिर भी उसे वहाँ नहीं रखा गया। ठीक है, नेक्स्ट है, वाई डू एलिमेंट्स इन ए ग्रुप सो सेम वैलेंसी। भाई एक ही ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं वो सेम वैलेंसी शो करते हैं। क्यों? क्योंकि द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज रिलेटेड टू द वैलेंस सेल। क्योंकि जो वैलेंसी होती है वो किससे पता चलती है हमें, कि किसी भी एलिमेंट के आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पर पता चलता है हमें ये। सिंस द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ ग्रुप हैव द सेम वैलेंसी। क्योंकि भाई ग्रुप जो होते हैं वो वैलेंसी के आधार पर ही बनाए जाते हैं, और एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जो होता है वो सेम होता है। ठीक है भाई, एक ग्रुप में जो एलिमेंट्स होते हैं उनका सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सेम होता है, इसलिए वो एक जैसी वैलेंसी को शो करते हैं। नेक्स्ट है, वाई आर दी मेंबर्स ऑफ ग्रुप वन नोन एज एल्कली मेटल। भाई ग्रुप वन के जो एलिमेंट्स हैं उनको एल्कली मेटल बोला जाता है। क्यों? क्योंकि वो दे रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म सॉल्यूबल हाइड्रोक्साइड दैट आर कॉल्ड एल्कलीज। क्योंकि भाई ऑल द एलिमेंट्स यानी कि जितने भी ग्रुप वन के एलिमेंट होते हैं
उनको एल्कली मेटल कहा जाता है, क्योंकि बिकॉज दे रिएक्ट विद वाटर, क्योंकि वो वाटर से रिएक्शन करने के बाद हाइड्रोक्साइड बना देते हैं, जिनको हम एल्कलीज बोलते हैं। नेक्स्ट है, हाउ डज मेटलिक करेक्टर ऑफ द एलिमेंट वेरी इन ग्रुप, ग्रुप में जब चलते हैं तो मेटलिक करेक्टर कैसे काम करता है, अभी मेटलिक करेक्टर जो होता है वो बढ़ता जाता है ग्रुप में आगे बढ़ने पर, जबकि पीरियड में आगे बढ़ने पर क्या होता जाता है, वो मेटलिक करेक्टर कम होता जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, नेम अदर एलिमेंट्स विच बिलोंग टू द सेम फैमिली एज सी ए एंड सी, यानी सी ए फैमिली का, सी ए फैमिली के दो एलिमेंट्स के नाम लिखने हैं, उस कार्बन फैमिली के दो, तो सी ए फैमिली के दो हो गए भाई मैग्नीशियम और स्ट्रोंशियम, और कार्बन के तो कौन से हो गए दो, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, ठीक है। नेक्स्ट है, डिड डोबर्नियर ट्राइस ऑल्सो एग्जिट इन द कॉलम ऑफ न्यूलैंड ऑक्टेव्स कंपेयर एंड फाइंड आउट, भाई न्यूलैंड के ऑक्टेव नियम में कुछ डोबर्नियर का जो ट्राइड्स था वो भी अलाउ होता है क्या, भाई न्यूलैंड के नियम में डोबर्नियर ट्राइड्स भी अलाउ होता है क्या, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो हाँ जी, यस, फॉलोइंग ट्राइड्स कैन बी आइडेंटिफाइड, यानी कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जो कि न्यूलैंड के ऑक्टेव लॉ में भी आते थे और डोबर्नियर के ट्राइड लॉ में भी आते हैं, जैसे लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, दूसरा था बेरियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। द एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एटॉमिक नंबर, भी डोबर्नियर का क्या, डोबर्नियर जो ट्रायड था वो क्या कहता है कि बीच वाले एलिमेंट का जो मास होता है वो इन दोनों के मास के एवरेज के बराबर होता है। नेक्स्ट है भाई, व्हाट वर द लिमिटेशन ऑफ डोबर्नियर ट्रायड्स, डोबर्नियर ट्रायड्स की क्या लिमिट थी, भाई डोबर्नियर जो लॉ था वो केवल तीन ट्रायड पर ही काम किया, भाई फॉर्म दैट एलिमेंट नोन एट द टाइम सो दी डोबर्नियर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट वाज नॉट फाउंड बी यूजफुल, केवल डोबर्नियर के तीन ही ट्रायड मिले इसलिए वो यूजफुल नहीं माना गया। नेक्स्ट है, बिसाइड गैलियम विच अदर एलिमेंट्स हैव सिंस द डिस्कवर्ड बाय, भाई ऐसे कौन कौन से एलिमेंट हैं गैलियम के बाद जो खोजे गए, ऐसे एलिमेंट के नाम बता दीजिए जो गैलियम के बाद खोजे गए जिनके लिए जगह छूट दी गई थी मेंडेलिक पीरियडिक टेबल में, तो वो थे स्कैंडियम और जर्मेनियम, ठीक है, स्कैंडियम और जर्मेनियम बाद में खोजे गए, उनकी जगह छूट दी गई थी। हाउ वुड यू मॉडर्न पीरियडिक टेबल रिमूव वेरियस एनोमलीज ऑफ मेंडेलिक पीरियडिक टेबल, भाई मॉडर्न पीरियडिक टेबल को हमने किस प्रकार से, भाई मॉडर्न पीरियडिक टेबल ने मेंडेलिक पीरियडिक टेबल को किस प्रकार रिमूव किया, भाई पहला था मॉडर्न पीरियडिक टेबल सेटल द प्लेसमेंट इन द आइसोटोप्स हैव द सेम एटॉमिक नंबर, भाई मॉडर्न पीरियडिक टेबल में आइसोटोप्स जो थे वो भी सेटल किए गए, उनको सेम एटॉमिक, मतलब जिनके सेम एटॉमिक नंबर होते हैं उनको भी रखा गया मॉडर्न पीरियडिक टेबल में। दूसरा, पोजिशन ऑफ कॉन्ट्रावर्सल पोजिशन ऑफ द हाइड्रोजन इज ऑल्सो सेटल इन मॉडर्न पीरियडिक टेबल, यानी हाइड्रोजन की जो पोजीशन फिक्स नहीं थी उसको मॉडर्न पीरियडिक टेबल में फिक्स कर दिया गया। नेक्स्ट आगे चलते हैं, नेम टू एलिमेंट्स विद यू एक्सपेक्ट द सो केमिकल रिएक्शन सिमिलर टू एमजी, व्हाट इज बेसिस फॉर योर चॉइस, ऐसे दो एलिमेंट के नाम बता दीजिए जो मैग्नीशियम की तरह रिएक्शन करते हैं, वो है भाई कैल्शियम और स्ट्रोंशियम जो कि मैग्नीशियम की तरह रिएक्शन करते हैं, दे हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इनके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटरमोस्ट शेल में। इन द मॉडर्न पीरियडिक टेबल विच आर द मेटल्स अमंग द फर्स्ट 10 एलिमेंट, मॉडर्न पीरियडिक टेबल में सी मॉडर्न पीरियडिक टेबल में विच आर द मेटल्स अमंग द फर्स्ट 10 एलिमेंट, यानी फर्स्ट 10 एलिमेंट्स में से कौन कौन से मेटल्स थे, लिथियम।